Hello everyone, this is Mansi from evidhati.in. So now we are on our sixth question of chapter number 5. As you know, we are discussing the important questions. So question number 6 is, write true or false with reference to the following frequency table. Now the reason I have taken this question is basically ki yahan pe itne sare hamare paas parts hain. बताना आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स है कि ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन इस वजह से आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे एक फ्रीक्वेंसी टेबल अगर आपको गिवन है तो उसको रीड करना, क्योंकि इससे क्या होगा, इस ऐसे टाइप का देखिए आपको पाई चार्ट बनाने को बोल सकते हैं, आपको बार ग्राफ बनाने को बोल सकते हैं, हिस्टोग्राम बनाने को बोल सकते हैं। सो अगर आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल अच्छे से रीड करना आता होगा तो आप इनमें से कोई भी चीज बना पाओगे, ठीक है। सो फर्स्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 18 इज 2। अब यहाँ पे देखो पहले पार्ट में गलती हो सकती है कि हमसे पूछा है फ्रीक्वेंसी 18 की, 2 है। अब आप यहाँ पे आपको 18 दिख जाएगा तो आप सोचोगे पता नहीं 18 का क्या पूछा है, 18 की फ्रीक्वेंसी। तो इस 18 को हमें क्लास यहाँ पे साइंस मार्क्स जाए ना वहां पे देखना है, मतलब अपने क्लास इंटरवेल में देखना है। सो 18 कहाँ लाई करेगा, 10 से 20 के बीच में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 4। सो दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 नहीं है। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 35 इज 15, 35 कहाँ लाई करेगा, 30 से 40 के बीच में, इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, विच मीन्स दिस इज ट्रू, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में है क्लास 90 to 100, दिस इज बेसिकली क्लास इंटरवेल, हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब 90 से 100 ये वाला इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। तो हम देख सकते हैं सब में सबसे लोएस्ट 1 ही है, सो दिस मींस दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है क्लास 50 टू 60 हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 18, 50 टू 60 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 25, सो दिस मींस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, क्लास 60 टू 70 हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 60 टू 70 क्लास कौन सी है, दिस वन, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 9। तो अगर हम यहाँ पे देखें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 25 है, मतलब 50 से 60 वाली जो क्लास इंटरवेल है उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सो दिस वन इज फॉल्स। देन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ 48 इज 18, अगेन 48 की फ्रीक्वेंसी, 48 कहाँ लाई करेगा, 40 से 50 के बीच में, सो इसकी फ्रीक्वेंसी है 18, सो दिस वन इज ट्रू। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सेवेंथ है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 100। यहाँ पे पहली बात तो अगर ये नहीं गिवन होता टेबल, यहाँ पे ये वाला कॉलम ना होता हमारे पास, तो हम इन सबका टोटल करते, बट यहाँ पे हमें क्लियरली गिवन है 91, सो टोटल 100 नहीं है, सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट है देयर आर 10 क्लास इंटरवल्स, तो कितने क्लास इंटरवल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, सो 10 क्लास इंटरवल्स हैं, सो दिस इज ट्रू। ओके, देन इफ द पासिंग मार्क्स आर 41, अगर पासिंग मार्क्स 41 है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट फेल्ड इज 33। अब ये करना पड़ेगा कैलकुलेट, अगर पासिंग मार्क्स 41 है, ये सारे मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, सो यहाँ पे 41 पासिंग मार्क्स है, मतलब यहाँ से ऊपर जितने भी बच्चों के आए हैं, यहाँ 40 से लेके 100 तक, वो सारे बच्चे पास हुए हैं, तो फेल कौन से बच्चे हुए हैं, ये वाले बच्चे फेल हुए हैं। अब इसका टोटल कर लेते हैं, 15, 12, 4, 2, ठीक है, सो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 1, 2, 3, कितने बच्चे फेल हुए हैं, 33, यहाँ पे यही गिवन है, सो दिस मींस दिस इज ट्रू। अब देखो यहाँ पे अभी आप ट्रू फॉल्स की उसमें कर रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, जैसे इफ द पासिंग मार्क्स आर 41, नाउ टेल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड, या टेल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास, तो कैलकुलेशन कैसे करनी है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।